राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज एंटरटेनमेंट। कैसे हैं आप सब? तो विंटर्स की दोपहर है और आज देखो मैं क्या बनाकर लाई हूँ। अगेन द होल मेन्यू इज विदाउट अनियन एंड गार्लिक। तो मैंने आज अपनी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे, जो कब से कह रही थी आलू के पराठे खा लो दीदी, तो मैंने आलू के पराठे बनाए हैं भर भर के। साथ में मसाला दही रखी है और यहाँ पर है मूली और गाजर का कुचुम्बर सैलेड, खूब सारा चाट मसाला और नींबू डाल के। यहाँ मैंने बनाए हैं खूब सारे क्रिस्पी पकौड़े, डबल फ्राई गोभी के पकौड़े जिनको मैंने हाफ में कट कर लिया है, और ये फर्स्ट लाइन जो है ये सारे पनीर के पकौड़े हैं। मुंह मीठा करने के लिए है हल्दीराम की बेसन बर्फी, और साथ में चुस्की लगाने के लिए है इलायची अदरक वाली चाय। तो हो चाय, लेट्स बिगिन। अगर आपको मेरे वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो नीचे लिखा हुआ कमेंट पढ़ लीजिए। आपको देखना है कि वीडियो के बीच में आपको ये वाली साउंड किस टाइम पर सुनाई दी, उसका टाइम आपको लिखना है कि कितने मिनट और सेकंड वीडियो में निकल चुके थे जब ये साउंड आई, तो आपको शाउट आउट मिल जाएगा। जय अन्नपूर्णा माता की। तो यहाँ पर साथ में मैंने सौंठ की चटनी भी रखी हुई है इमली वाली, पकौड़ों के साथ खाने के लिए। आई नो मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, आई थिंक 7 to 8 days का गैप हो गया मेरे एक्चुअल मकबैंग में, जो मैं एडिट करके डालती हूँ ओल्ड वीडियो वाला, नो टॉकिंग ओनली ईटिंग वाला, वो मैंने एक डाला है, वो भी काफ़ी दिनों बाद डाला था। तो उसके लिए आप मेरा व्लॉग देख सकते हो रीज़न जानने के लिए कि मैं क्यों नहीं डाल पाई। ठीक है, मेरा चैनल है प्रिया इज़ व्लॉगिंग, जहाँ पर मैं व्लॉग्स डालती हूँ। अब शुरू किससे करें? चाय ठंडी हो जाएगी, पकौड़ों से शुरू करते हैं। ये जी पहला गोभी का पकौड़ा, आप सब इसको लो जी एंजॉय करो, आपके लिए। टू गुड, घर में बने हुए एकदम शुद्ध तरीके से मस्त क्रिस्पी गोभी के पकौड़े। ओए मम्मी, ओए ओए, गर्मा गर्म चाय, मजा ही आ गया। लेट्स हैव पनीर का पकौड़ा। गजब, मेरे फेवरेट के पकौड़े, फेवरेट के पकौड़े मेरे फेवरेट पकौड़े हैं गोभी के। अब प्याज तो मैं खाती नहीं, पहले मुझे प्याज वाले भी पसंद थे, बट अब मुझे ये वाले। मज़ा आ गया। दोपहर का लंच करते करते शाम के 4 बज चुके हैं। अब फ्री हुई हूँ मैं सब कुछ बनाकर। तो मेरी शाम की चाय का टाइम भी हो चुका था। ग्रेटेड गाजर मूली मसाला नींबू डाल के सर्दियों में इतनी मस्त लगती है ना, खाने के साथ लो, पकौड़ों के साथ लो।
पहले पकौड़े चाय जितने खाने हैं वो खा लेते हैं ना, क्योंकि फिर दही और चाय एक साथ नहीं खा सकते, तो थोड़ा ब्रेक लेकर फिर खाऊंगी। मुंह में पानी आ रहा है ना, तो मुंह खोल लो, लो ले लो। पनीर का पकौड़ा, गरमा गरम चाय। बस एक और खाती हूँ गोभी का, नहीं तो फिर आलू के पराठे कौन खाएगा। बाकी पकौड़े घर वाले भी खाएंगे थोड़े से। मजेदार। तो अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ भी विंटर्स हैं, तो आपने विंटर्स की दोपहर में आज क्या बनाया लंच में, या क्या खाया है? कहीं बाहर घूम रहे हो तो वहाँ क्या खा रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो फ्रेंड्स, पकौड़े मैंने हटा लिए, चाय हटा ली और मैंने 10 मिनट का गैप ले लिया है। अब खाते हैं हम अपने आलू के पराठे, जो कि ऑफकोर्स ठंडे हो गए हैं, लेकिन आलू के पराठे ऐसे होते हैं जो ठंडे होने के बाद भी पसंद आते हैं। बनाकर स्पेशली हम ना कैसरोल में रख देते हैं और बाद में भी खाते हैं। मेरे हस्बैंड को ठंडे आलू के पराठे इतने पसंद हैं। जय अन्नपूर्णा माता की। लो जी, दही के साथ मसाला दही, फर्स्ट बाइट आप सबके लिए। मुंह खोल लो। वाह, ये हुई ना बात। आलू के पराठे की बड़ी सी बाइट दही में डुबो के, सर्दियों में ना, अब तो हम लोग फ्लैट में रहते हैं, मेरा जो मायका है वो तो कोठी है, तो उसमें आगे पीछे बरामदा होता है, तो सर्दियों में धूप निकलती थी और चारपाई बिछा के चेयर्स वगैरह रख के गर्मा गर्म पराठे और दही, कई बार हम ये लंच करते थे विंटर्स में। धूप में बैठ के खाने का जो मज़ा है ना, ओए होए होए। Wow.
बहुत ही यम है। सेकंड पराठा गाइस, इसको हाफ कर लेते हैं, ठीक है ना। दो पूरे खा के ज़्यादा नशा ना चढ़ जाए, फिर सो जाऊंगी तो रात का काम कौन करेगा। आलू का मसाला इतना मस्त बना ना, और भर भर के डाला मैंने आलू। मेरे को ना पराठे दो तरह से पसंद है, एक तो दही के साथ और एक गरम गरम पराठे पे मक्खन डलाओ, साथ में आम का अचार और चाय गर्मा गर्म। अब एक ही कर सकती थी ना मैं, वरना दोनों ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है। ओ भाई, जंबो वाला टकार आ चुका है मुझे, ठंड पै गई है। आहा, मुंह मीठा कर लेते हैं जी, पंजाबी खाना ख़त्म हुआ है, बिना मिठाई के कैसे हो जाएगा। ये है हल्दीराम की बेसन ड्राई फ्रूट वाली बर्फ़ी, मुझे बहुत पसंद है ये भी। एक ये विंटर्स में ये वाली बर्फ़ी, और दूसरा जो गाजर का हलवा जिसे हम गजरेला कहते हैं, उसको बर्फ़ी की तरह सेट करके बोलते हैं गाजर पाक। ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। आप मुँह मीठा करो। देसी के ओचे बनी हुई, अंदर रोस्टेड बादाम डले हुए, क्रिस्पी क्रिस्पी। आनंद आ गया जी। तो ये वाली बर्फी एक दिन में एक ही, बहुत सारी खा ली तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको मेरा मकबंग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।